हेलो फ्रेंड्स, राजोरा ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजू का एक और नया डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने पहले से ये बाजू की कटिंग कर रखी है। बाजू की लंबाई मैंने 16 इंच कट की है और उसके बाद हमने 3 इंच की डेप्थ की है, गहराई जो हम ऊपर से देते हैं। और आर्म होल हमने यहाँ से 8.5 इंच रखा है, और अगर जब हम इसको डायगनल करेंगे तो ये 9 इंच हो जाएगा। और जो बाजू की मोहरी है वो हमने 5 इंच रखी है, उसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। जो अंदर की साइड है वो हमारा राइट साइड है, और बाहर की साइड है वो हमारा रोंग साइड है। तो इसके लिए जो डिज़ाइनिंग हमने बनानी है, सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच का। और फिर हमने इस निशान के ऊपर ही हमने जो जितनी भी हमने इसकी जो गोलाई रखनी है बाजू की, जितना भी हमने होल रखना है उतनी चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा है, क्योंकि 1.5 इंच इनफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि शेप बनेगी वो 1.5 इंच में अच्छी बन जाएगी। टोटल हमारी 3 इंच की बनेगी। फिर हम नीचे से मार्किंग करेंगे, नीचे से निशान लगाएंगे। तो नीचे से हमने 5.5 ये लेना है। उसके बाद फिर एक निशान और लगाएंगे, वो हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल पूरी बाजू में इसमें 3 निशान लगाए हैं। सबसे ऊपर हमने 2.5 इंच का, उसके बाद हमने नीचे से निशान लगाया 5.5 का, और फिर हमने लगाया 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हम इसकी शेप दे देंगे। जो ऊपर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था उससे 1/2 इंच हमने बाहर की साइड ऐसे करते हुए तो गोलाई में ये शेप दे देंगे। ये शेप हमने बिल्कुल फ्री हैंड देनी है ऐसे राउंड में। और उसके बाद हमने ये जो नीचे 5 इंच का निशान लगाया था, 5.5 इंच का, वहाँ से हम इसको 1/2 इंच का गैप देके स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल सीधा। और फिर नीचे से 2.5 इंच वाली जगह पे हम गोलाई दे देंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से किया है। पहले हमने ऊपर का जो हिस्सा था उसमें गोलाई दी है, उसके बाद हमने थोड़ी सी दूरी में इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा है सीधा, और फिर नीचे फिर इसको बाजू की मोहरी की साइड हमने घुमाते हुए इसको कट कर लिया। अब हमने जो कट की है बाजू, इसको बिल्कुल जो हमारी पेपर पेस्टिंग होती है, चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है, उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और उसको हम एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बाजू कट कर रखी है, जो डिज़ाइन हमने कट किया है उसी के ऊपर से हमने इसको चौक से निशान लगाना है। और फिर इसको हमने एग्जैक्ट ट्रेस करने के बाद इस तरीके से देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच का या फिर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको निशान को हम डबल कर देंगे, क्योंकि हमारी 1 इंच की चौड़ी पट्टी कट हो जाएगी। तो इसको हम बाहर से कट कर देंगे ये निशान हमारे लगने के बाद। और ये फ्यूजिंग पेपर पे इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये हमारी चिपकने वाली है। अगर हम नॉर्मल बुकरम लेते तो वो हमने सिलाई करनी होती है। तो इसको अंदर से भी हम कट कर देंगे ये जो हमारा निशान लगा था पहले। और अब देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे तो इसकी शेप ऐसे आएगी। ये मैंने इसको जो कपड़ा है उसके ऊपर चिपका दिया है, और चिपकाने के बाद आप देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर का, उसको हम कट कर देंगे, और इसमें हम ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब इसको फोल्ड करें तो ये फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए। उसके बाद हमने इसको कपड़े के ऊपर जो हमारा सॉरी कपड़ा है एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, उसको हम सिलाई कर देंगे चारों ओर से, तीनों ओर से, क्योंकि नीचे से तो हमारा खुला ही रहेगा। जैसे हम नेक बनाते हैं बाहर से उसी तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे। वाला कपड़ा था ये, हमने इसको सील दिया है और इसको फिनिश कर दिया है। अब हम इसको ऐसे चौक से अंदर से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा पतला है तो बाहर की साइड दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सा ही कपड़ा है। तो इसको थोड़े निशान को हम डार्क करते हुए पूरे जो डिज़ाइन हमने बनाया है पूरे डिज़ाइन में इस तरीके से ऐसे निशान लगा देंगे, और उसके बाद हम आगे का जो डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे। तो ये हमारा निशान दिख रहा है बाहर की साइड। अब हमने इसका मिड पॉइंट लेना है जो हमारा पीच है, और वहाँ से हमने 1-1 इंच की दूरी पे पूरे में निशान लगाने हैं दोनों साइड। तो देखिए मैं इस तरीके से 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ये मैंने इसको पूरे में लगा लिया है, फुल इसके अंदर लगा लिया है। अब हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड, और जो हमारे निशान लगे हैं उनको हम ट्रेस कर लेंगे ऐसे, या छाप लेंगे, क्योंकि हमारा चौक है तो वो दूसरी साइड अपने आप छप जाएगा। तो ये दूसरी साइड पे हमारे निशान लग चुके हैं, और दोनों साइड हमारे निशान जो लगे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से इक्वल लगेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट वाली जगह थी, यहाँ पे 4 जो हमारे लूप्स बनेंगे, तो लूप्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे लूप्स की,
और यहाँ पे हमने लूप्स लगाने हैं। बाकी जगह पे मैंने यहाँ पे पोटली बटन लगाए हैं। तो पोटली बटन बनाने के लिए मैंने एक मोती लिया है, उसको इसके अंदर कपड़े के अंदर रखा है और फिर इसको हम धागे से ऐसे लपेट लेंगे और टाइट हमें लपेटना है। फिर ऐसे इसको नोट बांध के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा पोटली बटन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे बटन बना लिए हैं, जितने भी हमारे लगेंगे उतने ही मैंने इसके बना के तैयार कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। जो मार्जिन है कपड़े वाला वो हमने अंदर की साइड रखना है, जो कपड़ा है जो हमारा उल्टी साइड आएगा, और जो बटन है जो हमारा बना है पोटली बनी है वो हम बाहर की साइड रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें लगाया है और ये चार मैंने यहाँ पे आठ लूप दोनों साइड लगे हैं, चार एक साइड और चार एक साइड। ये लगाने के बाद हम इसको बीच में से कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी जो हमने एक इंच की पट्टी की थी कट, वो एक इंच की पट्टी हमारी दोबारा से ऐसे बन चुकी है। अब हम इसको जो हमारे पास जो है जो हमने कट किया था उसको ऐसे रखेंगे दोनों पे एक साथ में और फिर रख के देखेंगे कि हमारा दोनों साइड से इक्वल है या नहीं है। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसको बीच में से पिनअप करेंगे ताकि जब इसके अंदर सिलाई लगाएं तो ये हमारा हिले ना, क्योंकि बाजू का मिड पॉइंट है, बीच का हिस्सा है। मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। अब इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद सिर्फ हमारे पोटली बटन दिखेंगे और हमारे लूप्स दिखेंगे। ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे और आप चाहें तो टॉप स्टिच प्रेस स्टिच दे सकते हैं जिससे पक्की हो जाएंगे। तो मैंने इसकी सिर्फ प्रेस की है। अंदर की साइड हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो जहाँ पर हमारे लूप्स हैं वहाँ पर हम डोरी डाल लेंगे। तो ये डोरी मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। डोरी की लंबाई मैंने 24 इंच ली है, दोनों साइड से हमारी 12 12 इंच आएगी। इस तरीके से हम पहले एक लूप में डालेंगे ऊपर वाले लूप में, उसके बाद इसमें से ऐसे निकालते हुए डालेंगे। उसके बाद हमने दूसरी साइड का, हमने सेम लूप नहीं डालना, हमने दूसरे नंबर का डालना है। मतलब जैसे कि हमने इसमें क्रॉस वाइज बनाने हैं, क्रिस क्रॉस बनाने हैं। अब हमने दूसरी साइड से तीसरे नंबर पर डालना है और फिर हमने दूसरी डोरी भी इसी तरीके से एक छोड़ के एक का गैप करके फिर हमने इस डोरी को ऐसे इंसर्ट करना है, इसमें डालना है। तो ये हमारा जो बनेगा क्रिस क्रॉस टाइप वाली जो डोरी होती है उस तरीके से हमने इसको डालना है। तो ये हमारी जो डोरी है वो डल चुकी है। अब हमने जो हमारी नीचे डोरी है ये खाली दिख रही है तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसमें हम टैसल्स बनाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको 4 इंच का मैंने चौड़ाई ली है और 4 इंच की इसकी लंबाई ली है, मतलब 4x4 का मैंने ये कपड़ा लिया है। तो हम ये 4x4 के दो पीस ले लेंगे क्योंकि डोरी हमारी दोनों हिस्से में डल रही है। तो दो कॉर्नर है डोरी के, तो दोनों साइड ये हमारे टैसल्स लगेंगे। कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड हमने अंदर की साइड रखनी है और सीधी साइड हमने बाहर की साइड रखनी है। ऐसे हमने इसको डबल फोल्ड किया, फिर इसको डोरी को इस तरीके से ऐसे बीच में इसके रखेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे डोरी के ऊपर से ऐसे सिलाई कर देनी है, मतलब सिलाई चलाते जाना है और जो डोरी है उसके ऊपर हमने डबल सिलाई चलानी है। सिलाई को रिवर्स कर देंगे जिससे कि हमारी डोरी है वो निकले ना। तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड हमने उल्टा रखना है, बाहर की साइड हमारा सीधा होगा और फिर उसको डोरी को इस तरीके से कॉर्नर में रखेंगे, बीच में रखेंगे बिल्कुल। जैसे हमारा 4 इंच का है तो हमने इसको डबल करेंगे बीच में तो 2 इंच का मिड पॉइंट आएगा इसमें। तो ये हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। उसके बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे और फिर हमारी ये राइट साइड हो जाएगी, मतलब ये हमारा अंदर की साइड सिलाई आ जाएगी, बाहर की साइड एक फ्लावर बन जाएगा, मतलब टैसल्स बन जाएगा। फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे 2-3 बार, अपना जैसे भी एडजस्ट हो हाथ में उस तरीके से इसको ले लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा ये टैसल्स बन जाएगा बिल्कुल राउंड में। आप चाहें तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना थोड़ा बड़ा ही रखा है, 1-1 इंच की ये रखी है, 1.5 इंच का करीब होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो बाजू है वो दिखाई देगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आए, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।